अरंदिया राज्य की राजकुमारी एलारा अपनी शाही जिंदगी में अकेलापन महसूस करती थीं। एक दिन महल के बगीचे में उन्होंने बांसुरी की मधुर धुन सुनी। धुन का पीछा करते हुए उन्होंने एक गरीब युवक आर्यन को देखा। वह साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और उनका प्यार गहरा हो गया। एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्होंने कांटों में फंसी एक सुनहरी चिड़िया को देखा। चिड़िया ने उन्हें बचाने की विनती की और बदले में एक जादुई पंख दिया जो एक इच्छा पूरी कर सकता था। जब राजा को उनके प्रेम का पता चला तो उन्होंने आर्यन को राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। दुखी एलारा ने आर्यन के साथ मिलकर सुनहरी पंख का उपयोग किया और ऐसी दुनिया की कामना की जहां प्रेम के लिए कोई सीमाएं न हों। जादुई चिड़िया ने उनकी इच्छा पूरी की। राज्य में प्रेम को सर्वोपरि मानते हुए नए नियम बने। एलारा और आर्यन का विवाह हुआ और उनका प्रेम अमर हो गया। सुनहरी चिड़िया आकाश में उड़ गई, अपनी सुनहरी धुन से पूरे राज्य को प्रेममय कर गई। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोगों ने वीडियो के शुरुआत में एक वीडियो देखा है, तो सिंपली फ्रेंड मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका से बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से इस तरह की वीडियो को बना सकते हैं। आप चाहो जितना बड़ा भी बनाना चाहो आप बना सकते हो, चाहे आप शॉर्ट अगर बनाना चाहते हो तो वो भी आप लोग बना सकते हो। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो को आप लोग कैसे बनाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को दो चार सेकंड लगेगा। सिंपली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग इस तरह की वीडियो को बना सकते हैं, उसका इमेज कैसे बनाएंगे, उसका ऑडियो कैसे आप लोग जनरेट करेंगे, उसको आप लोग वीडियो में किस तरह से कन्वर्ट करने वाले हैं। उसके लिए फ्रेंड सिंपली आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है और आने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड आपने देख लिया कि हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें हमने कहा है कि भाई 200 कैरेक्टर में आप मुझे एक स्टोरी यहाँ पे लिख करके दो। तो सिंपली हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया और ये चैट जीपीटी जो है मुझे 2000 कैरेक्टर में ये यहाँ पर स्टोरी जनरेट करके दे देगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख रहे हैं कि हमारा स्टोरी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, हमारा स्टोरी यहाँ पे जनरेट हो गया। अब दोस्तों आप लोगों को एक साइट के ऊपर जाना है, सिंपली आपको गूगल पे जाके फाइंड कर लेना है मूसन। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंपली आपको इस साइट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे गूगल अकाउंट से साइन अप कर लो। तो सिंपली फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यूज माई कंटेंट इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने चैट जीपीटी से जो भी स्टोरी यहाँ पे आपने लिखवाया है सिंपली आपको यहाँ से कॉपी कर देना है। इसे सिंपली इसे आपको सबको यहाँ से कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पे अपने वीडियो का रेशियो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो इस वाले के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को अवतार वगैरह यहाँ पे डालना है तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं या इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश ही रहेगा आपका। सिंपली आपको फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जनरेट बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड आपके सामने स्टोरी यहाँ पे जनरेट कर दिया जाएगा, सीन बाय सीन और इमेज बाय इमेज। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको 100% आपको इमेज जो मिलने वाला है वो HD क्वालिटी में मिलने वाला है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने वाला है। यहाँ पे लगभग हमारा 10 सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब आपको इस साइड से कोई भी लेना देना नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके बारी बारी से टोटल इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए हम फटाफट इसे डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसका इमेज का क्वालिटी क्या है। ओके, यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने टोटल इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, चलिए हम एक इमेज को यहाँ पे ओपन करके दिखाते हैं। इसकी क्वालिटी आप देख लो। ठीक है, इसकी क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। इसकी इमेज की क्वालिटी है, ये काफी अच्छी इमेज की क्वालिटी आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पे फ्रेंड आपका काम खत्म हो चुका है इस साइट के ऊपर से। सिंपली आपको एक और साइट के ऊपर जाना है। गूगल पे फाइंड कर लीजिएगा हेलो AI। सिंपली आपको इस साइट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसका लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और आप लोग अपने गूगल अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लॉगिन करना है। सिंपली आपको यहाँ पे साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू विथ गूगल अकाउंट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जीमेल आईडी आपको दिख जाएगा। अब सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे फ्रेंड आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, और इसके टर्म कंडीशन को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं ये साइट ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्रेंड आप इमेज टू वीडियो और टेक्स्ट टू वीडियो भी यहाँ पे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको कुछ क्रेडिट मिल जाता है जो कि 1000 क्रेडिट होता है, ठीक है, और ये वैलिड है 20 जनवरी तक। तो फिलहाल फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग यहाँ से इसका प्रीमियम अकाउंट अगर बाय करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं इसका, ठीक है। इसका जो प्लान है थोड़ा सा महंगा है लेकिन आप लोग इसको जरूर एक मरते ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्लान आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है, उसका प्रो अनलिमिटेड, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आप लोग किस तरह से इमेज टू वीडियो और टेक्स्ट टू वीडियो आप जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारे पास इमेज है तो हम यहाँ पे अभी इमेज टू वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपने इमेज को अपलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपने इमेज को यहाँ पे अपलोड कर दिया है और मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अगर आप लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं तो और अच्छा है। तो प्रॉम्प्ट देने के लिए आप लोग इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट देने के लिए आप लोग इसे यहाँ से कॉपी कर लोगे, कॉपी करने के बाद हेलो एआई के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप लोग इसे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली जनरेट बटन के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा समय लगता है लेकिन वीडियो आपको 100% क्वालिटी के साथ मिलता है, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितना भी इमेज है हम बारी बारी से उसका भी यहाँ पे, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोग बारी बारी से अपना इमेज को यहाँ पे वीडियो में कन्वर्ट कर लोगे। किस तरह से करोगे, सिंपली आपको यहाँ पे एमपीटी करना है, उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे इमेज को यहाँ पे डालोगे और मोशन के साइड के ऊपर जाओगे और यहाँ से इसे कॉपी करोगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट में इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपका जो है वीडियो यहाँ पे जनरेट होने लगेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इसका अनलिमिटेड प्लान है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और हमने बहुत तरह का यहाँ पे वीडियो भी यहाँ पे बनाया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए हमने यहाँ पे बहुत तरह का वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है, ये भी वीडियो आप देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास प्रो प्लान है तो बहुत जल्दी यहाँ पे वीडियो कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग फटाफट सारे इमेज का वीडियो यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। जनरेट करने के बाद उसका ऑडियो भी जनरेट करने के लिए आपको बताएंगे और उसे हम लोग इस वीडियो में एडिट भी करना सीखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पूरा स्टोरी का वीडियो भी बना लिया है और हमने इमेज को भी यहाँ से डाउनलोड कर लिया है जो कि हमने यहाँ पे एक जगह रख लिया है। अब यहाँ पे बात रही कि भाई आप लोग ऑडियो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, ऑडियो किस तरह से जनरेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको जाना होगा चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। यहाँ जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है कि भाई इस स्टोरी को हिंदी में लिख दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप चैट जीपीटी जो है हमारे स्टोरी को ये हिंदी में लिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी में ये कंप्लीट लिख दिया है लेकिन हमारा जो स्टोरी है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसका ऑडियो जनरेट करके अभी हम वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा समय लेगा। तो सिंपली अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि भाई आप जो है ना मुझे 200 वर्ड में ही इस स्टोरी को कम्प्लीट करके दो, वो भी हिंदी में, ठीक है। तो ये 200 वर्ड में हिंदी में लिख के मुझे यहाँ पे दे देगा जिसका ऑडियो भी बनाएंगे हम और उसका एडिटिंग भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट स्टोरी जो है मुझे 200 वर्ड में यहाँ पे दे दिया गया है। तो अभी हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे। उससे पहले आपको जाना है एक साइट के ऊपर जिसका नाम है 11Live, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे 11Live को ओपन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे गूगल में सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 11Live को यहाँ पे ओपन कर लिया है। सिंपली आपका अकाउंट अगर नहीं है यहाँ पे तो आप सिंपली अकाउंट बना लीजिएगा, अगर अकाउंट है तो आपको लॉग इन करना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग गो टू ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हमारा अकाउंट फ्री वाला है जिसमें 10,000 क्रेडिट मिलता है जिसमें अभी मुझे 8,500 बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अपने स्टोरी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कहाँ से, चैट जीपीटी से। यहाँ से हम कॉपी करेंगे
और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करेंगे और आप लोग अपने स्पीकर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल अभी हम इस वीडियो में मार्कस का ही इस्तेमाल करने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ पे हमारा पहले से सेलेक्टेड है और हम लोग जनरेट स्पीच के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑडियो यहाँ पे जनरेट हो चुका है जो कि 1 मिनट 12 सेकंड का होने वाला है। सिंपली हम लोग इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो सबको हम लोग एक फाइल पे रख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे रख लिया। अब हम लोग इसका एडिटिंग करने वाले हैं। ओके, तो सिंपली अभी हम लोग अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ओपन करेंगे जिसका नाम है कैटकैप। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग अपने वीडियो और ऑडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं। सबसे पहले तो ऑडियो को करवाते हैं। ऑडियो को करवाने के बाद हम लोग इसे टाइमलाइन में रख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग वीडियोस को लेंगे। टोटल वीडियोस और फोटो को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, उठा के यहाँ डाल लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा टोटल वीडियो ऑडियो सब आ चुका है। अब हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे चला के देखेंगे कि भाई सबसे पहले ऑडियो में क्या बोला जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग अपने ऑडियो में सीन को अरेंज करने वाले हैं। ओके, अरंदिया राज्य की राजकुमारी एलारा अपनी शाही जिंदगी में अकेलापन महसूस करती थीं। सिंपली अभी हमें राजकुमारी का अकेला वाला वीडियो मुझे जानना होगा। ठीक है, और वहां पे मुझे एक राजमहल को भी यहाँ पे दर्शाना है। अरंदिया राज्य की राजकुमारी एलारा अपनी शाही जिंदगी में अकेलापन महसूस। अभी हम लोग यहाँ पे राजमहल का वीडियो को इंपोर्ट कर लिए हैं, थोड़ा चला के देखते हैं। अरंदिया राज्य की राजकुमारी एलारा अपनी शाही जिंदगी में अकेलापन महसूस करती थीं। थोड़ा सा ही यहाँ पे मुझे राजमहल दिखाना होगा क्योंकि हमारा जो वॉइस जो है उस हिसाब से यहाँ पे कम ही है। ठीक है, तो इसका स्पीड को भी हम यहाँ से कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसे कम अरंदिया कर राज्य देंगे, की है राजकुमारी एलारा। ना। अब यहाँ पे मुझे राजकुमारी एलारा जो अकेले है उसका मुझे यहाँ पे वीडियो को इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, तो कौन सा वीडियो है राजकुमारी का, जरा देख लें। ये वाला चलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चला के फिर अरंदिया से राज्य देख की लेते हैं। राजकुमारी एलारा अपनी शाही जिंदगी में अकेलापन महसूस करती थीं। एक दिन महल के बगीचे में उन्होंने बांसुरी की मधुर धुन सुनी। तो बगल के बगीचे में बांसुरी का धुन सुना जा रहा है, तो अब हम लोग लड़का को ढूंढेंगे किधर है भाई। ये वाला क्लिप यहाँ पे शूट कर जाना चाहिए। ठीक है, करती थीं। आगे देखते हैं। एक दिन महल के बगीचे में उन्होंने बांसुरी की मधुर धुन सुनी। धुन का पीछा करते हुए ये वाला वीडियो काफी रियलिस्टिक लगता है। फिलहाल अभी हम इस क्लिप को यहाँ पे लगाते हैं, उसके बाद हम चला के देखते हैं। एक दिन महल के बगीचे में उन्होंने बांसुरी की मधुर धुन सुनी। धुन का पीछा करते हुए उन्होंने एक गरीब युवक आर्यन को देखा। वह साधारण था। ठीक है, साधारण था लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और उनका प्यार गहरा हो गया। तो प्यार भी गहरा हो गया। तो हमें अपने ऑडियो के हिसाब से सारा क्लिप को अरेंज करना होगा। ठीक है, हमें अपने ऑडियो के हिसाब से सारे क्लिप को अरेंज करना होगा। एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्होंने कांटों में फंसी एक सुनहरी उन्होंने कांटों तो में इसी तरह से फंसी यहाँ एक पे अरेंज सुनहरी करने चिड़िया को चले देखा। जाना है ना। देख चिड़िया लीजिए, ने उन्हें बचाने की विनती की और बदले में एक जादुई पंख जादुई पंख दिया जा रहा है। तो जादुई पंख जो है, जादुई दिया पंख जो एक इच्छा पूरी कर सकता था। जब राजा को उनके प्रेम का पता चला राजा को मिटालना होगा। राजा किधर गया भाई, ये रहा राजा। तो उन्होंने आर्यन को राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। दुखी एलारा ने अब दुखी एलारा यहाँ पे एलारा रो रही है, तो एलारा रो रही है तो उस क्लिप मुझे यहाँ पे डालना होगा। आर्यन के साथ मिलकर सुनहरी पंख का उपयोग किया और ऐसी दुखी एलारा ने आर्यन के साथ मिलकर अब यहाँ पे बोला जा रहा है आर्यन के साथ मिलकर। मिलकर सुनहरी पंख का उपयोग किया और ऐसी दुनिया की कामना की जहां प्रेम के लिए कोई सीमाएं न हो। ठीक है, ऐसी दुनिया की कामना की जहाँ पे प्रेम के लिए कोई सीमा ना हो। ठीक है, तो हमें कौन सा वीडियो यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। सुनहरी पंख का उपयोग किया और ऐसी दुनिया की कामना की जहां प्रेम
हिम के लिए कोई ये वाला क्लिप यहाँ पे लगाएंगे। मिलकर सुनहरी पंख का उपयोग किया और ऐसी दुनिया की कामना की जहां प्रेम के लिए कोई सीमाएं ना। यहाँ पे जादुई चिड़िया ने उनकी इच्छा पूरी की। अब आगे राज्य में प्रेम को सर्वोपरि मानते हुए नए नियम बने। एलारा और आर्यन का विवाह हुआ और उनका प्रेम अमर हो गया। सुनहरी चिड़िया आकाश में उड़ गई, अपनी सुनहरी धुन से पूरे राज्य को प्रेममय कर गई। आपको जो है ना बढ़िया से सारा ऑडियो को सुन लेना है, मैं आपको समझाने के लिए ही यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग किस तरह की वीडियो को एडिट करोगे। ओके की कामना की जहां प्रेम के लिए कोई सीमाएं ना हो। जादुई चिड़िया ने उनकी इच्छा पूरी की। राज्य में प्रेम को सर्वोपरि मानते राज्य है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक महल का तस्वीर लगा लेते हैं, महल की वीडियो को लगा लेते हैं। राज्य में प्रेम को सर्वोपरि मानते हुए नए नियम बने। एलारा और आर्यन का विवाह हो गया। वीडियो उन दोनों के साथ में लगाना पड़ेगा आपको, वीडियो चलेगा थोड़ा देर। एलारा और आर्यन का विवाह हुआ और उनका आपको यहाँ पे कट लगा देना है और गरीब वाला जो वीडियो होता है वो भी यहाँ पे देख लीजिए। इस तरह से यहाँ पे कट थोड़ा सा लगा दिया, शादी वाला यहाँ पे देख सकते हैं, सीन भी डाल दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे जो है ये तीनों को हमने कवर कर दिया है, ठीक है। पक्षी, एलारा और लड़का। चिड़िया आकाश में उड़ गई। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया जब आकाश में उड़ेगी तो उसके लिए जो है ना एक वीडियो होना चाहिए। तो ये वाला क्लिप को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। या आकाश में उड़ गई, अपनी सुनहरी धुन से पूरे राज्य को प्रेममय कर गई। इसी तरह से आपको इस वीडियो को यहाँ पे एडिट करना है, ठीक है। हमने थोड़ा सा आपको यहाँ पे गाइड कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप लोग देख रहे हैं कट लगा हुआ है। अगर आप लोग मान लीजिए यहाँ पर ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखते हैं कैसा लगता है। एक दिन ये ठीक है, ये वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि देखिए ज्यादा इसमें करने की जरूरत है नहीं। ये सब चीज तो पहले से करके देता है, जब आपका वीडियो जनरेट होता है ना तो सब चीज यहाँ पर पहले से करके दे दिया जाता है। पहले आपको कट लगाना है, उसको सही तरीके से यूज करना है। AI वीडियो के ऊपर उतना आपको कलर ग्रेडिंग, ये ग्रेडिंग, वो ग्रेडिंग भी करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो है आप कहाँ से लेंगे, वो भी फ्री में, जो अभी हम फिलहाल यहाँ पे लगाने वाले हैं, जो हमारे सारी वीडियो में लगा होता है। बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं कि भाई बताओ बताओ कौन सा म्यूजिक है, कौन सा म्यूजिक है। मेरा काम है दोस्तों आप लोगों को सही चीज बताना, ठीक है। अब यहाँ पे बात रही कि वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है ना आप लोग थोड़ा सा इसका इंक्रीज कर लो, ठीक है। अरंदिया राज्य की राजकुमारी एलारा अपनी शाही जिंदगी में अकेलापन महसूस करती थी। तो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। सिंपली आपको गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे लिखना है यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो आपको फाइंड करना है, सबसे पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको म्यूजिक सर्च करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा म्यूजिक है, डिजेट करावान, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आप यहाँ पे सुन लेना, यहाँ पे चार तरह का आपको साउंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। म्यूजिक है, बारी बारी से सुन लो। ये वाला म्यूजिक को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लो, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद हम लोग जाएंगे अपने एडिटर में और टाइमलाइन में रख देंगे। टाइमलाइन में हमने रख दिया और इसका इसका जो है वॉल्यूम जो है इसको यहाँ से कम कर देना है, इतना पे रख लीजिए, ठीक है। अब चला के देखते हैं। अरंदिया राज्य की राजकुमारी एलारा अपनी शाही जिंदगी में अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन महल के बगीचे में उन्होंने बांसुरी की मधुर धुन सुनी। धुन का पीछा करते हुए उन्होंने एक गरीब युवक आर्यन को देखा। वह साधारण था लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। तो इसी तरह से आपको अपना वीडियो को एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको कंप्लीट वीडियो को एडिट करना है और अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना है। तो फाइनली फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।